यार ये चलते चार बाग 20 रुपए सवारी बैठते चलो रे। सुबह के बज रहे हैं 10:05 और आज हम जा रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल विजिट पे, बहुत समय के बाद, इवन 2 सालों के बाद। मेरा फाइनल ईयर है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब किया था। सो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप चिल्लाओ ना, आप कंटेंट मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भाई वो चिल्ला ना, वो आना चाहिए। सोनताक्षरी होने जा रही है। एक मोड़ आया, मेरा दिल छोड़ आया, ये खुला आसमां आ गए हम ए मेरे साजना। आगे की लिरिक्स इसको आती है। अरे गाना होटो पे उसने की बिजली कहता रहे, दिन मार दिल खींच के तमाचा। गजब की फील आ रही है यार, गजब की। एक तो 2 साल बाद यूनिट पे जा रहे हैं और आज वही फर्स्ट ईयर वाली सारी यादें ताजा। तो जस्ट स्पीच थी एट सी मैप। सर आज जहाँ पे सेंट्रल सिटी ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की और एरोमेटिक प्लांट्स की। चलते हैं अंदर और देखते हैं आखिर यहाँ पर है क्या और क्या क्या सीखने को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर हमारे आने पे थोड़ी बहुत खाने पीने की व्यवस्था भी है, कुछ खा पी करके फिर घूमने के बारे में बोला गया है कि पहले कुछ खा पी लीजिए फिर करिए, मतलब जो यहाँ पे एक्सप्लोर करना है वो वही बात है, पहले पेट पूजा फिर कार्य पूजा। चलो आप पीते हैं यहाँ की चाय और देखते हैं आखिर कैसी है। तो सर ये डरा क्यों रही है, दीदी नहीं पी रही है। अच्छी है, थोड़ा सा अदरक ज़्यादा है और मीठा कम है। ऐसी स्ट्रॉन्ग सी चाय पसंद है, ऐसी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद होती है। बस अच्छा है, सही है, चाय अच्छी है। तो चाय पी करके बस चलते हैं। सो अब ऑफिशियली हम इंटर कर गए हैं उस एरिया में जहाँ पर हमें जो प्लांट्स हैं बेसिकली उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे मैसेज बेसिकली क्या क्या एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट पर रिसर्च हो रहा है, वैरायटी डेवलपमेंट पे काम होता है। अच्छा अच्छा सर, और हमारे एसेंशियल ऑयल से कुछ प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करके सर इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर वो क्या एक्सपोर्ट भी होती है क्या? हाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों में। हाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। सर आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं लाइक लेमन ग्रास, पामरोजा, तुलसी, वेटिवार, मिंट, मतलब बहुत कुछ देखने वाले। हाँ बहुत कुछ। तो थैंक यू सो मच सर आपका। ओके, और यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज आज लेने वाले हैं बेसिकली जो प्लांट्स हैं उनको लेकर के जैसे सर ने बताया। सो अभी चलते हैं, देखिए सर हमको पायलट करके वो ले जा रहे हैं, चलते हैं देखते हैं कुछ सीखते हैं नया। जो भी हमारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं हमारे जितने भी, ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स का यूज होता है, जो आप टेबलेट, सीरप और भी अदर थिंग्स जो लेते हैं, ठीक है, जो भी कंसल्टेंट फार्म में लेते हैं, वो कहाँ से आता है? ठीक है, आप यहाँ पे केवल आप मेडिसिनल प्लांट्स देखेंगे, ठीक है। हम पहले इस बोर्ड के सामने खड़े करने का मेरा मकसद ये है कि आप सब लोग इस बोर्ड के थ्रू आप देखेंगे हमारा हेड से लेकर के सोल तक का जितना भी प्लांट्स यूज होता है हमारी बॉडी में उसका यहाँ पे शो किया गया है। तो जैसे ही आप इस पार्क में आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, अलग अलग, यू नो, जो हमारे अलग अलग ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड मिलेंगे। बड़ा अच्छा पार्क है, काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए रीठा, जो रीठा काफ़ी यूज़ होता है वो ये रीठा है। ये है, मैं इसको नीम समझ रहा था, बेसिकली ये रीठा है। और मैं इसको ये पलाश, पलाश का पीछे मेरे लगा हुआ है
और बहुत से ये छुई मुई का पेड़ बोलते हैं, इसको छूने से ये मुरझा जाता है, अब ऐसा बोलते हैं मुझे पता नहीं। देखिए यहाँ पे एक नेट ऐसा बना रखा है, ये पाठा करके कोई है, ये बरियारा, और ऐसे ऐसे पेड़ आज देखने को मिल रहे हैं ना जो कभी जिंदगी में देखे नहीं। सो अभी जो है मानव पार्क हमने पूरी तरीके से देख लिया है और औषधि वगैरह के बारे में यहाँ पे सर ने हमको बताया। सर अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी क्या है और आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये अभी हम आप लोगों को हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको, जैसे तुलसी के बारे में आपको बताया जाएगा, डेमोंस्ट्रेशन है एक, वहाँ पे सारी चीजें जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में देखेंगे कि जो हमारा एरोमेटिक प्लांट्स हैं उसका हम उसका आयल एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सो इतने समय मेरे जूनियर्स और मेरे क्लासमेट मेरे साथ में हैं, तो अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या देखा? बहुत एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था जिनके बारे में जान रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम पीछे भी हैं, आपने क्या देखा भाई? बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, धूप देखी। धूप तो खैर आप हर जगह देखते हैं, धूप की असल शक्ति देखी। कोई मिल गया के बाद सबसे ज्यादा धूप मैंने खाई, सबसे ज्यादा पावर आप ही में है मतलब। सो अब हम उस यूनिट पे आ चुके हैं जहाँ पर ऑयल प्रोसेस किया जाता है। हमारे 3 टाइप्स के डिस्टिलेशन यूनिट होते हैं, एक स्टीम होता है स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट, हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट और हाइड्रो डिस्टिलेशन यूनिट। ये हमारा जो है ये हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट है। यहाँ पे सर है हमारे साथ बात करने के लिए, और यहाँ पे धुआं उठ रहा था तो मैंने पूछा सर से कि आखिर यहाँ पे क्या मतलब, किस चीज़ का मतलब जो प्लांट है वो क्या बन रहा है और क्या तेल बन रहा है, क्या बन रहा है सर, क्या बन रहा है? सर एक्चुअली ये जो हमारे डिस्टिल वेस्ट एक क्रॉप रेमेडी होते हैं उनको क्या करते हैं फर्दर यूटिलाइजेशन में लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डेवलप कर रहे हैं, इसको बायोचार कह रहे हैं आगे इस्तेमाल के लिए। हाँ जैसे कि किसान लोग क्या करते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपने फील्ड पे, वो कॉस्टली भी पड़ते हैं, तो ये डॉक्टर पूजा करे मैडम मैं पीएचडी स्टूडेंट है तो उनके साथ एक हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डेवलप कर रहे हैं जिसको बायोचार कहते हैं। ये सारी चीजें उसी चीज के अंदर है जिसको आप वेस्ट मतलब, हाँ हम लोग यानी मतलब आप जिंदगी में जिसको हम लोग वेस्ट समझते हैं, हाँ, उसको हम उसी चीज उसी से हम ये फर्दर डेवलप कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें बेसिकली होता ये होगा कि फेंक दी जाती होंगी है ना सर? जी जी जी। और सर जो बता रहे हैं कह रहे हैं कि इसका भी इस्तेमाल हो जाता है इसका, जैसे कि आपका जो जैसे कि हमने अभी बनाया हुआ ये हमारा है, ये देखिए सर ने बनाया है, ये क्या है? ये हमारा पेपर वेस्ट से बना हुआ है, ये जो हम लोग A4 पेपर वगैरह प्रिंट करने के बाद एक वगैरह फेंक देते हैं, उससे हम लोग ने क्या किया कि एक फर्टिलाइजर बनाया है। ये देखिए फर्टिलाइजर है और ये बनाया गया वो A4 शीट का जिससे में लोग असाइनमेंट करते हैं ना सर, वही वाली है? हाँ हाँ वही है वही है, तो उसका ही बनाया गया सर, दिखाएं पास से ये देखिए। दूसरा हमारा जो हो कुछ भी बगासे से हम लोग जो वेस्ट मटेरियल उसको लेके फिर हम लोग उसका ये बायोचार बना रहे हैं, तो इस टाइप का ये हमारा बायोचार तो है। आपने सब वेस्ट चीजों से? हाँ वेस्ट सारे जो हमारे जो वेस्ट जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप से या किचन वेस्ट हो गया। तो सर ने तो काफी टेक्निकल बातें बताई और इस टाइम में तो मैं जर्नलिज्म स्टडीज में हूँ और इसके पहले मैं कॉमर्स का छात्र था तो ज्यादा साइंस की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ मोटा मोटा ये समझ में आया है कि हम खराब चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है कैसे उपयोग करना है तो यहाँ पर आप लखनऊ के इस ऑफिस में आकर के आप इस ज्ञान को ले सकते हैं और आप जान सकते हैं कैसे खराब चीज़ों का भी इस्तेमाल करें और ज़िंदगी में कुछ खराब नहीं है ये भी सीख हमको यहाँ से मिलती है। सो जहाँ पर खेती होती है औषधियों की वहाँ से निकल के थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट वाले एरिया में हम आ गए हैं और इस इस्टेब्लिशमेंट वाले एरिया में इतना अच्छा लग रहा है आपको क्या बताएं। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, अंदर ही पेड़ रखे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, इसके जो आप ग्लास देख रहे हैं ग्लास के अंदर भी खेती वगैरह हो रही है पेड़। यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है इस बिल्डिंग का प्रवेश द्वार, अंदर ऑफिस हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब यू नो जब काम आम होता है तो वो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर मैंने फ़ोटो खिंचाई है इंस्टाग्राम पर जनाब अनुराग तिवारी के नाम से, मैं हूँ वहाँ पर, आपको मिल जाएगी। आज की यात्रा बहुत अच्छी रही, 2 सालों बाद हम लोग एक इंडस्ट्रियल विजिट पर आए थे, बहुत कुछ सीखा जैविक चीज़ों के बारे में, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया, जितने भी उनको लोग मिले बहुत अच्छे मिले। तो अभी दोपहर के 1:20 हो गए हैं अप्रॉक्स और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से, और मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड कर दूँ। तो ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड राइड सेफ, बी हैप्पी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।